हमारी सरकार ने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे हमारी बहनों को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिले। नमस्कार, एकल भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सौम्या अग्रवाल और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं इन्फॉर्मेशन अड्डा। किसी भी घर में बच्चे की पहली किलकारी सबसे बड़ा त्योहार होता है। बच्चे का जन्म पूरे परिवार के लिए एक उत्सव की तरह होता है। पूरा परिवार माँ और शिशु की देखभाल के लिए जुट जाता है। उनके संतुलित आहार, साफ सफाई और टीकाकरण में पूरी तरह जुट जाते हैं। ऐसे में सरकार भी इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना चला रही है, जिसके तहत उन्हें आर्थिक सहयोग दिया जाता है। 3 किश्तों में मिलेंगे 6,000 रूपए। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म के दौरान लाभ मिलता है। इस योजना में सरकार गर्भवती महिलाओं के अकाउंट में सीधे 6,000 रूपए ट्रांसफर करती है। ये धनराशि 3 किश्तों में दी जाती है। पहली किश्त में 1,000 रूपए, दूसरी किश्त में 2,000 रूपए, तीसरी किश्त में 2,000 रूपए, तो वही जन्म के दौरान 1,000 रूपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है। दूसरा बच्चा लड़की हो तो ही मिलेगा लाभ। वहीं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत दूसरे बच्चे पर ये लाभ तभी मिलेगा जब आपका दूसरा बच्चा लड़की होगी। सरकार ने ये कदम लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए। माता मृत्यु को रोकने के लिए, नवजात बच्चों की रक्षा के लिए हमने शिशु का जन्म अस्पताल में ही कराने का बहुत बड़ा अभियान चलाया। योजना के लिए कैसे करें आवेदन? ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले ये साफ करना होगा कि गर्भवती महिला की उम्र 19 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर किसी महिला की उम्र इससे कम है तो इसका लाभ उसे नहीं मिल सकता है। निम्न आय और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ये है योजना। इसके अलावा जिन महिलाओं की पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है, मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं, महिला किसान, बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं, एससी एसटी वर्ग की महिलाएं इस लाभ को लेने के लिए पात्र हैं। कैसे उठाएं सरकारी योजना का लाभ? केंद्र सरकार का कहना है इस योजना के शुरू होने से देश में माता और शिशु की मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा। इस योजना के तहत 100% प्रसव को अस्पतालों या प्रशिक्षित नर्सों की निगरानी में सुनिश्चित करना और सभी गर्भवती महिलाओं को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करना है। योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको आवेदन में कोई परेशानी आ रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर 7998799804 पर भी कॉल कर सकते हैं। यहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी सरकार द्वारा जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट wcd.nic.in/scheme/प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पर जाकर प्राप्त की जा सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश की महिलाओं को आर्थिक मोर्चे पर सशक्त करने के लिए अथक प्रयास कर रही है, जिसके लिए तमाम तरह की योजनाओं की लॉन्चिंग की गई। ऐसी योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाती है और समाज में सिर ऊंचा करके चलने के काबिल बनाती है। इसी योजना में से एक है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ऐसी ही योजनाओं की जानकारी आपको मिलती रहेगी, उसके लिए देखते रहिए हमारा स्पेशल शो इन्फॉर्मेशन अड्डा सिर्फ एकल भारत पर।